वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं आर्टिकल्स पढ़ने। आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। ए, एन और द का यूज कैसे और कहां कहां किया जाता है आज हम पूरी वीडियो में उसी पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के दो पार्ट्स हैं, ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल में ओनली द होता है, ठीक है। द को भी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, कहीं पर इसे दी पढ़ा जाता है, कहीं पर द पढ़ा जाता है। सो देखें इन्हें डिफरेंस क्या है। ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है और द का यूज कहाँ किया जाता है, जबकि तीनों ही आर्टिकल्स हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सा एन ओल्ड मैन, ही सा एन ओल्ड मैन, इसका मतलब क्या है? उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? अनिश्चित, जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक है। जिनको हम नहीं जानते हैं उनके आगे ही हमें ए और एन लगाया जाता है। और डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, जिनको हम जानते हैं उनके आगे क्या लगता है? द लगता है, ठीक है। तो ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, यानी कि उस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर द लगा दिया जाए, ही सा द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, इसका मतलब कि वह उससे पहले से परिचित है, उससे पहले से वो परिचित है, उस बूढ़े व्यक्ति को वो जानता है। तो डिफरेंस यही है कि अगर हम ए और एन का यूज कर लेते हैं तो वो इनडेफिनेट हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिस चीज़ के आगे द लगा दिया जाता है वो डेफिनेट हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है, यानी कि उस चीज़ के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लें। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, ठीक है। दिस इज अ बुक, यह किताब है। लेकिन किताब किस चीज़ की है ये नहीं बताया जा रहा है ना, हम उस किताब के बारे में नहीं जानते, बस वही किताब है। लेकिन अगर कह दिया जाएगा दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी कि तुम उस बुक से पहले परिचित हो, उसने तुम्हें उस बुक के बारे में पहले बताया है। तो बस यही डिफरेंस है। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ए और एन किसी भी चीज़ को अनिश्चित कर देते हैं, यानी कि उस चीज़ के बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं। लेकिन अगर द लगा दो तो यानी कि उस चीज़ को हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो ए और एन का जो है कई सारे अर्थ हैं। जैसे ए और एन का यूज एक के लिए भी किया जाता है, सब के लिए भी किया जाता है, प्रति, प्रत्येक, कोई या फिर पर के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन द का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे। आज वाले में हम जो है ए और एन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ए और एन का ही इतना ज़्यादा है यूज कि हम उसे जो है साथ में द का यूज आपको बता नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में उसे बताएंगे। सो और ए और एन का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट सेंटेंसेस, जो कॉन्सोनेंट नाउन होते हैं उनके साथ किया जाता है, और जो वॉवेल होता है, वॉवेल वर्ड होते हैं, उसके साथ एन का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे बैट है, ठीक है, तो इसके आगे हम ए लगा देंगे। लेकिन जो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट वॉवेल से स्टार्ट होता है, जैसे एन एप्पल, एप्पल क्या है, वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे हम एन लगा देंगे। तो इस टाइप से हमें बचपन से यही बताया जाता है कि कॉन्सोनेंट के साथ हमें ए लगाना है और वॉवेल के साथ हमें एन लगाना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ इतना जान लेने से सही यूज करना नहीं जान जाते ए और एन का, तो हमें वॉवेल्स जो है कुछ साउंड होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना होता है। इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं उसके 20 साउंड्स होते हैं और कॉन्सोनेंट में जो है 24 साउंड्स होते हैं, जबकि इंग्लिश के जो लेटर है वो 26 होते हैं। बट जो साउंड अगर देखा जाए तो वॉवेल के 20 साउंड्स होते हैं और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं, और कुल मिला के इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं। इन साउंड्स को ध्यान रखकर ही ए और एन का यूज किया जाता है। अगर हमें ए और एन के साउंड्स पे ध्यान नहीं देंगे तो जो है हम ए और एन का यूज सही से करना नहीं सीख सकते हैं। सो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है वॉवेल साउंड क्या होते हैं। जैसे जो भी वर्ड अगर हम पढ़ते हैं उसमें जो स्टार्टिंग होती है आ ई, जो हमारे हिंदी के वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं, उनसे अगर वो स्टार्ट होता है तो उसे वॉवेल साउंड कहा जाता है। और अगर
कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, जो हमारे क ख ग घ वाले व्यंजन हैं हिंदी के, उनसे जो जो साउंड उनकी आती है, क ख ग घ की जो साउंड आती है पूरा ज्ञ से ज्ञानी तक, तो उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो हमें जो ए और एन का यूज करना है इनको ध्यान में रख के करना है। अगर वॉवेल साउंड की आवाज़ आती है वर्ड के पहले अक्षर से, वॉवेल साउंड की आवाज़ आती है यानी कि हमारे जो स्वर है उनकी आवाज़ आती है, तो हमें एन का यूज करना है। और अगर क से ज्ञ तक की साउंड आती है तो उसके साथ हमें ए का यूज करना है। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, किसी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो और उसका जो साउंड है वो क से ज्ञ तक के, मतलब क से जो हमारे हिंदी के व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक होता है, उसका साउंड अगर देता है तो उसके साथ हमें ए लगाना है। जैसे देख लें, ए बैट, बैट क्या है, ब का साउंड दे रहा है ना, तो ये व्यंजन हमारा है तो इसके साथ जो है हमें ए लगाना है। ए फैन, फा का ये साउंड दे रहा है, फा का, तो इसके साथ हमें ए लगाना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सोनेंट वर्ड होते हुए भी, कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होते हुए भी वो वॉवेल का साउंड देता है तो उसके साथ हमें एन लगाना पड़ता है। जैसे किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा साउंड जो है वॉवेल का हो, जैसे अ आ ई, हमारे जो स्वर है उनका साउंड उसमें आता हो, तो उसके साथ हमें एन लगाना होता है। जैसे देखें, एन ऑनेस्ट, अब यहाँ पर ये स्टार्ट तो एस से हो रहा है जिससे हमें हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ा जाता है ना, तो स्टार्ट तो ये एस से हो रहा है लेकिन एस साइलेंट होने की वजह से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको प्रोनाउंस किया जाता है ओ से, तो ऑनेस्ट बोला जाता है ना, तो इसमें क्या साउंड आता है, ओ, यानी ये हमारा स्वर है इसलिए इसके आगे एन लगा है। ठीक है, अभी बोलेंगे एन एम ए, एन एम ए, एन एम ए में क्या लगाना, देखो एम ए, एम है और ए है, स्टार्टिंग किससे हुई है, ए से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये क्या है, स्वर है इसलिए इसके आगे एन लगा है। ठीक है, ऐसे ही एन एयर, अब ए से स्टार्ट हुआ इसके आगे एन लगा है। एम एल ए, एम एल ए में एम से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है यानी इसके आगे एम एन एन लगाना है। आवर में एस साइलेंट हो जाता है, आ से पढ़ा जाता है, यहाँ तक आवर क्या है, स्वर है इसलिए इसके आगे एन लगा है। और एच एम टी, यहाँ पर ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आगे इसके आगे हम एन लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें वर्ड पे नहीं ध्यान देना है, उसके साउंड पे ध्यान देना है कि उसमें साउंड क्या आ रही है, चाहे वो कॉन्सोनेंट का हो चाहे वो जो है वॉवेल का हो, साउंड पे हमें ध्यान देना है, जो साउंड आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज करना है। वॉवेल साउंड के साथ हमें एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमें ए लगाना है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, यदि फर्स्ट लेटर वॉवेल का हो, वॉवेल का हो और उसकी साउंड भी हमारे जो हिंदी के स्वर है अ अ ई इससे आ रहा है तो वहाँ पर हमें एन लगाना है। ठीक है, जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, अ से इसकी साउंड आ रही है, अगली क्या है, अ से इसकी साउंड आ रही है, तो इसके आगे हमें एन लगाना है। ठीक है, तो जिनकी भी साउंड वॉवेल की रहेगी उसके साथ हमें एन लगाना है और जिसकी भी साउंड कॉन्सोनेंट की रहेगी उसके साथ हमें ए लगाना है। अभी आगे भी बताते हैं वीडियो थोड़ा सा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हमें ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करना है। थोड़े से और रूल बाकी हैं, जैसे किसी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल का हो बट साउंड अगर क ख ग जैसे ज्ञानी तक इन सब की साउंड अगर आती है तो वो वॉवेल होते हुए भी हमें उसके आगे ए का यूज करना होगा। जैसे ए यूरोपियन, ए यूरोपियन, यूरोपियन में क्या है, यू से स्टार्ट हो रहा है यानी कि या से स्टार्ट हो रहा है, तो या की साउंड होने की वजह से इसके आगे हमें ए लगाना है। यूनियन, यूनियन में देखो यू से स्टार्ट हो रहा है जबकि ये वॉवेल है ठीक भी, लेकिन यहाँ पर ये जो साउंड आ रही है या की साउंड आ रही है इसलिए इसके आगे ए लगेगा। वन, ओ क्या है, वॉवेल है बट इसके आगे इसकी जो साउंड आ रही है व की साउंड आ रही है ना, तो साउंड को बहुत ज़्यादा मतलब साउंड पर ही हमें ध्यान देना है। वन रुपी नोट, तो इसके आगे भी हमें ए लगाना है। ठीक है, तो साउंड पे तो जरूर ध्यान देना है। जैसे यूनिफॉर्म है या की साउंड दे रहा है, यूटेंसिल है या की साउंड दे रहा है, यानी कि ये सब क्या है कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं इसलिए इसके आगे ए लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि साउंड पे विशेष ध्यान देकर हम जो है ए और एन के प्रयोग में गलती तो नहीं होगी, लेकिन कहीं पर क्या होता है कि साउंड में कन्फ्यूजन हो जाती है, वो लिखा कुछ रहता है उसे हम पढ़ कुछ लेते हैं जिसकी वजह से भी इसके यूज में गलतियां हो जाती है। जैसे देखो लिखा है अ वुडन टेबल, ठीक है, अ वुडन टेबल, हमने ये इससे स्टार्ट हो रहा है व से, वहाँ पे ऊ की मात्रा लगी है, तो
तो ये तो इसके साथ ए लगेगा ही, ठीक है, तो ये तो सही यूज है। लेकिन कभी अगर उसे उडन पढ़ लें, बड़े ऊ की मात्रा लगा के पढ़ लें, कुछ लोग उडन बोलते हैं, तो एन उडन टेबल, ये गलत है, ठीक है। इसकी जो साउंड है ये है, लेकिन कन्फ्यूजन होने की वजह से ये साउंड समझ के लोग एन भी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ए ईयर, ईयर क्या है, ये ई की साउंड नहीं दे रहा है, वाई पे ई की मात्रा लग रही है, तो ये राइट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे ये वाला ई समझ लें तो इसके आगे हम एन लगा देंगे, जो कि रॉन्ग है। तो इस तरह से साउंड में कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाती है, लेकिन साउंड पे अगर हम ध्यान दें और बारीकी से साउंड के बारे में पढ़ें तो हमारे सारे कन्फ्यूजन, मतलब हमारी सारी गलतियाँ दूर हो सकती हैं। सो ये ए और एन का यूज था इस वीडियो में, पूरे वीडियो में आपको ए और एन के यूज के बारे में ही बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम द के ऊपर पढ़ेंगे, द के भी बहुत सारे यूजेज हैं। सो एक ही वीडियो में बना पाना पॉसिबल नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको इससे एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर इसमें कुछ भी कमी है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।